तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब तबाही ऑन फायर। देखो कल 4 बजे तक मुझे लग रहा था यह हाईएस्ट नंबर है और शायद कल यानी डे 2 में बुकिंग स्लो देखने को मिलेगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है डे 1 में जो हाई एडवांस बुकिंग लेती है वो सेकंड डे में स्लो हो जाती है, लेकिन यहाँ आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। स्लो तो छोड़ो, कल 4 बजे के बाद जो लास्ट वीडियो मैंने 4 बजे की बनाई थी, कल 4 बजे तक का अपडेटेड रिपोर्ट जो दी थी बुकिंग का और बुकिंग कलेक्शन का, भाई साहब रात भर जबरदस्त बुकिंग चली है। सुबह 8 बजे तक अगर बताऊँ तो टोटल 5,600 जवान को मिल चुके थे और सुबह 8 बजे तक टोटल 4,26,000 की बुकिंग जवान ने ले ली थी और सुबह 8 बजे तक टोटल 13.20 का एडवांस कलेक्शन ये अपने खाते में रख चुकी थी। कल शाम 4 बजे तक जो आंकड़ा 10 करोड़ था वो आंकड़ा सुबह 8 बजे तक 3 करोड़ उछाल मारकर सुबह 8 बजे तक 13.20 करोड़ का कलेक्शन ये मूवी कर चुकी थी। देखो सुबह 8 बजे तक के सोच भी बता देता मैं कि NCR दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में, पुणे में, कोलकाता में कितने सोच फिलअप हो चुके हैं, कितने नहीं हैं, कितने सोच इन इन सिटी में मिल चुके हैं, क्योंकि अपडेटेड आंकड़े हर घंटे निकल रहे हैं। इस बीच कुछ कुछ तो फेक आंकड़े भी निकल रहे हैं, तो बार बार एक ही चीज़ बताने से अच्छा है एक 24 घंटे का प्रॉपर वीडियो निकालेंगे ट्रुथ एंड अपडेटेड नंबर के साथ, जो शाम 4 बजे या फिर रात 8 बजे का बेस्ट टाइम है ना। क्योंकि दूसरा ये कि बार बार मैं यही चीज़ बताने रहा तो चीज़ें बोर होने लग जाएंगी, इसलिए दिन में एक बार फुल रिपोर्ट कवर करेंगे। शाम के 4 बजे तक क्या है क्या नहीं है, रात के 8 बजे तक कितना सिनेरियो पहुंच चुका है, उसके बाद सुबह में एक मोटा मोटा आंकड़ा देखेंगे, डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, डिटेलिंग वीडियो शाम को निकालेंगे एक बार की एक दिन में, जिसमें सारे छोटे से छोटे सोच कहां कब कितने फिलअप हो चुके हैं, कितनी सिटी में कहां पर कितने सोच मिल चुके हैं, है ना, ये सारी चीज़ें कवर करी जाएंगी। इसी के साथ ये भी कवर अप करेंगे कि क्या हाल फिलहाल में चल रहा है, जाइंट मूवी गदर 2 को खदेड़ने में सफल हो रही है नहीं हो रही है जवान, ड्रीम गर्ल 2 के हिस्से के सोच भी खींच रही है या नहीं खींच रही है, सब पे चर्चा होगी बस एक दिन की एक वीडियो में प्रॉपर तरीके से। बाकी सुबह में एक मोटा मोटा आंकड़ा बताएंगे। तो अभी मैं आपको सुबह 8 बजे तक का, दोपहर 12 बजे तक का टोटल कलेक्शन और बुकिंग सिनेरियो के बारे में बताऊंगा, कितनी बुकिंग ये 2 दिन में ले चुकी है पहले 2 दिन के एडवांस बुकिंग केस में। जी हाँ दोस्तों, पहले 2 दिन में मतलब आज दोपहर तक बुक माई शो इंटरेस्ट जवान के 5,70,000 प्लस हो चुके हैं। बाय गॉड इट्स अ ह्यूज नंबर। पठान को तो इसने खदेड़ दिया और अपने रिलीज डेट तक यानी 7 सितंबर तक 2 दिन पहले ही मतलब परसों तक ये टोटल पठान के बुक माई शो के इंटरेस्ट रेट को खदेड़ देगी, कौन, जवान। इसी के साथ अगर मैं एक प्रिडिक्शन करूं तो शाम 4 बजे तक या फिर रात 8 बजे तक यह आंकड़ा डेफिनेटली 6.5 लाख के ऊपर बुक माई शो इंटरेस्ट रेट पहुंच जाएगा। ऐसी ह्यूज एडवांस बुकिंग हिंदी फिल्म के लिए कभी भी देखने को नहीं मिली थी। ये वही मंजर चल रहा है जब KGF का दौर आया था, जब बाहुबली का दौर आया था, जब RRR का दौर आया था और SRK की पठान का भी दौर आया था, बिल्कुल वही भगदड़ नज़र आ रही है। और जवान अभी तो कितने रिकॉर्ड तोड़ेगी गिनती भूल जाओगे, और हर दिन हर घंटे रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है जवान। और फाइनल डेटा अभी दोपहर तक का अगर मैं एक मोटा आंकड़ा और बताऊं तो पूरे 14 करोड़ के आसपास एडवांस कलेक्शन जवान कर चुकी है, अराउंड 4,49,000-50,000 टिकट सोल्ड आउट करके। और शाम 4 बजे तक ये रात या फिर रात 8 बजे तक ये आंकड़ा डेफिनेटली 5 लाख के आसपास पहुंच जाएगा, 5 लाख बुकिंग हो जाएगी शायद। तो देखते हैं आगे क्या होता है, अभी के लिए बस इतना ही। इसी के साथ ये आप लोग बताएंगे जवान डे 1 में क्या 70 करोड़ के आंकड़े को टच कर पाएगी या नहीं, और 7 सितंबर तक रिलीज डेट तक क्या जवान सिर्फ एडवांस कलेक्शन से 40 करोड़ की कमाई कर भी पाएगी या नहीं, आपको क्या लगता है फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।